सवाल, बीजेपी का पहलवान देश के पहलवानों पर क्यों भारी है? आप ये बताइए कि बीजेपी का पहलवान और देश के पहलवान, सारे देश के पहलवान ही बीजेपी के पहलवान है, क्योंकि बीजेपी देश की बीजेपी है। पहले तो ये कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है वो आपको लगता है वैसा ही माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या ऐसा माहौल है जैसे आपने कहा हताशा निराशा कुहासा का माहौल था तो सरकार बदली, तो वैसे ही क्या कहते हैं ऐसा ही माहौल भी विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहा है आपकी सरकार बदल कोई, कोई, या कोई, है कोई कर नहीं सकता क्योंकि लोग ही जवाब दे रहे हैं। जो ऐसी बातों को कर रहे हैं वो अपने आप मुंह मोड़ करके बोझा करते सड़क में खड़े हैं क्योंकि लोग जवाब दे रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ वो ऐतिहासिक काम हुआ और आज भी ताकत के साथ जिस तरीके से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का माथा ऊंचा हो रहा है, सम्मान बढ़ रहा है और विकास का काम हो रहा है हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप देखें, चाहे युवा हो, महिला हो, अनुसूचित जाति हो, पिछड़ा हो, अग्रा हो, और चाहे पीछे पिछड़े जिले हो, अग्रे जिले हो। कभी किसी ने सोचा था यहाँ पर हवाई जहाज का अड्डा बनेगा? कभी आपने सोचा था ये जो पहाड़ी पर जो है इतना बड़ा पहाड़ी पर जो है एयरपोर्ट बन जाएगा? बन रहा है साहब। और देखिएगा ये जो चित्रकूट है, कभी आपने सोचा भी, किसी ने एक ज्ञापन भी दिया कभी यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने कि ये इस पहाड़ी पर जरा हवाई जहाज का अड्डा बना दो? हाँ, और एक्सप्रेस वे। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये हो रहा है, ये ना है कि जान चल रही है उसका अपना काम है, जांच में जो भी दोषी होगा वो चाहे किसी दल का क्यों नहीं है, कितना ही बड़ा आदमी क्यों नहीं है, उसको सजा जरूर मिलेगी, लेकिन जांच वो जांच चल रही है, जांच के आने के बाद सब कोई टिप्पणी हो सकती है। गौवंश के बारे में मुझे ये कहना है कि निश्चित रूप में गौवंश में हमने कानून बनाया है कि गौवंश का संरक्षण और संवर्धन करेंगे। आपने जो सुझाव दिया है कि यदि कोई कमी हो रही होगी उसको भी हम दुरुस्त करेंगे, ठीक करेंगे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट गौवंश के संरक्षण की पक्षधर है और ताकत के साथ रहेगी।